हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिवास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जी हां, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। जल्दी से देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। एचआर स्कोर कार्ड एंड वर्कफोर्स स्कोर कार्ड, देखना दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, है ना, पर दोनों का आंसर एक ही है, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर क्वेश्चन में एचआर स्कोर कार्ड आ जाए यानी वर्कफोर्स स्कोर कार्ड आ जाए, दोनों चीज़ें एक ही है। थोड़ा सा एम्प्लॉई और लेबर का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। अब होता क्या है, ये प्रैक्टिकली जब मैं कंपनी में जॉब कर रहा था, जो मेरी स्टार्टिंग कंपनी में जॉब थी एजुकेशन लाइन में आने से पहले, मैंने भी स्कोर कार्ड बनाया। अब ये होता क्या है, बेसिकली एक काइंड ऑफ मैट्रिक्स हमको प्रोवाइड कर दिया जाता है एक नॉर्मल पेन पेपर के साथ, जिसमें 5 पॉइंट लिखे हुए होते हैं, उसका पीयर के साथ रिलेशनशिप, उसका आउटपुट, उसका डिसिप्लिन, उसका एब्सेंटिज्म रिपोर्ट, ऐसे 5-7 पॉइंट हमको दे दिए, उसके अकॉर्डिंग हमको उसको मार्किंग देनी है। अब एचआर के मेंबर भी मार्किंग दे सकते थे, उसका बॉस भी जो होता था सुपरिटेंडेंट हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, कोई भी, ठीक है, उसका मैनेजर, वो भी उसको मार्किंग दे सकता था। डिपेंड करता है कि कौन सा स्कोर कार्ड में किसको, कुछ पॉइंट्स जो होते थे वो एचआर के पॉइंट में होते थे, कुछ पॉइंट्स जो होते थे वो मैनेजर के, लाइक के टेक्निकल नॉलेज में वो पॉइंट देता था, डिसिप्लिनरी एक्शन में वो पॉइंट देता था, और उसके एब्सेंटिज्म रिपोर्ट में हम पॉइंट देते थे। तो ये एक बेसिकली स्कोर कार्ड होता है, जिसका फायदा ये होता है कि जब मंथ एंड होता है या 6 मंथ में हम 360 डिग्री एनालिसिस कर रहे होते हैं, 6 मंथ में, है ना, वैसे तो ईयरली होता है लेकिन कंपनी में यूजुअली 360 डिग्री एनालिसिस मंथली हो जाता है, 6 मंथ में हो जाता है, फिर बाद में चल के वो 720 हो जाता है। 360 360 दो बार कर देना। 360 का मतलब क्या है कि दोनों कंपनी में हर एक जने से, जो भी उस बंदे से रिलेटेड हो, उसका एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, उसका कलीग, उसके सबॉर्डिनेट, उसकी थर्ड पार्टी और अनदर कस्टमर, सबसे उसका फीडबैक ले लेना। ये कंपनी में दो बार होता है 360 360, तो इसके लिए 720 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये स्कोर कार्ड के हेल्प से हम ये एनालिसिस कर पाते थे। तो इस बेसिकली स्कोर कार्ड क्या होता है, एक तरीके का आपका एक फॉर्म है जिससे हम मॉनिटर कर सकते हैं उसकी सारे के सारे की एस्पेक्ट। अब अंडरस्टैंडिंग एचआर स्कोर कार्ड, नंबर्स ऑफ हायर, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हम उसके अंदर बताएंगे, हम उसमें मैट्रिक्स शो करेंगे कि इसके इतने नंबर्स हैं, नंबर्स बेस पे होता है, उसके अकॉर्डिंग हम टारगेट्स और उसका इनिशिएटिव, कि टारगेट्स इतना दिया था और इसने इतना अच्छा वर्क किया, और बेनिफिट क्या होगा, हम इससे डिसीजन मेकिंग हेल्प ले पाएंगे, स्ट्रेट ट्रांसपेरेंट आपका कम्युनिकेशन रहेगा, एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है जब उसके नंबर अच्छे आते हैं, कम होते हैं तो ठीक है अगली बार इंप्रूव करने के लिए उनको चांसेस दिए जाते हैं, ट्रेनिंग की नीड हमको असेस हो पाती है, कम्युनिकेशन क्लियर हो पाता है, और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो पाता है, मतलब हमारे जो गोल हैं उनसे अलाइनमेंट हो पाता है, क्योंकि आउटपुट से आप चेक कर लोगे ना कि उसका टारगेट अचीव हो पाया कि नहीं हो पाया, और परफॉर्मेंस को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। 4 बैलेंस पर्सपेक्टिव ऑफ द एचआर स्कोर कार्ड। अब बैलेंस पर्सपेक्टिव क्या है, वर्कफोर्स की सक्सेस, लीडरशिप, वर्कफोर्स कैपेबिलिटीज और एचआर माइंडसेट, तो वही 4-5 पॉइंट, आप कुछ भी 5 पॉइंट, आप मान लेते हैं आप खुद एचआर मैनेजर हो, इस पेपर को राइट करने से पहले हमेशा क्या सोचना, आप कंपनी के मालिक नहीं हो, आप एक एचआर मैनेजर हो, अगर वो एचआर मैनेजर हो तो आप ये क्वेश्चन बहुत सारे खुद से ड्रॉ कर पाओगे। कैसे, कि आप मान लेते हैं आपको एक स्कोर कार्ड बनाना है, यानी कि किसी भी इम्प्लॉय को इवेल्युएट करना है, तो आप कौन किन आस्पेक्ट पे इवेल्युएट करोगे, उसके आउटपुट पे इवेल्युएट करोगे, उसके डिसिप्लिन पे इवेल्युएट करोगे, उसके एब्सेंटिज्म रिपोर्ट पे इवेल्युएट करोगे, उसके पे स्केल तो उसमें शामिल नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पे हम परफॉर्मेंस चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसका कौन सा पॉइंट आएगा, उसके टेक्निकल नॉलेज पे इवेल्युएट करोगे, उसके कम्युनिकेशन पे इवेल्युएट करोगे, उसके ट्रेनिंग एबिलिटीज पे इवेल्युएट करोगे, ट्रेनिंग कितनी ट्रेनिंग करेगी, जिसके ट्रेनिंग करती जाती है उसके नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं, है ना। कंपनीज में बहुत टाइम ऐसा होता है कि वॉलेंट्री ट्रेनिंग होती है, कंपलसरी ट्रेनिंग नहीं होती, इसके अंदर आप गए तो गए, आपको नहीं जाना तो मत जाइए, तो जिस जो जाता है उसके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर चेक करी जाती है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ वो स्कोर कार्ड की एक टोटल आ जाती है, उस टोटल की हेल्प से आप क्या क्या हेल्प कर पाओगे, आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले पाओगे, आप परफॉर्मेंस इवेल्यूएट कर पाओगे, ट्रांसपेरेंट होगा, कम्युनिकेशन में हेल्प होगी, और ट्रेनिंग की नीड अराइज होगी तो हमें पता चल जाएगा, ट्रेनिंग का इवोल्यूशन पता चल जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा, तो मतलब सारे डिसीजन लेने में भी, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। क्लियर हो गया, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, कल एग्जाम में इसके मिलने की ज़्यादा अच्छी संभावना मुझे भी लगी, आपको भी लग रही होगी। चलिए, और दोनों सेम क्वेश्चन है, एचआर स्कोर कार्ड आ जाए तो ह्यूमन रिसोर्स का लिख देना, और अगर वर्कफोर्स स्कोर कार्ड आ जाए तो केवल लेबर के बारे में सारी बातें लिख देना, और उसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही है। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।